Hey YouTube, क्या हाल है आप सबका आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने पीसी के ऊपर ये टेक्निक इतनी आसान है कि आप लोग ना तो सिर्फ खाली मोबाइल फोन देख सकते हैं बल्कि गेम्स भी खेल सकते हैं Android की एंड्रॉयसो यू कैन यूज यमरा लॉर स्टफ सो लेट्स प्रोसीड इस काम करने के लिए आपको मेक श्योर sure करना पड़ेगा कि आपकी डिबगिंग ज ऑन जैसे आप उसको ऑन कर लेंगे तो आपको दो लिंक फॉलो करने पड़ेंगे दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है सबसे पहला लिंक है वाइजर का वाइजर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने पीसी के अंदर और दूसरा है यूनिवर्सल ई ड्राइवर्स वाइजर हम डाउनलोड करते हैं डाउनलोड के बटन पर हम क्लिक करेंगे सामने गिवन है और हमारे पास चार ऑप्शन आ रही है मोस्टली आप लोग इसको जो मैं सजेस्ट करूँगा वो विंडोज वर्जन है एज कंपेयर टू यू क्रोम का वर्जन है क्योंकि दैट इज मोर स्टेबल और दैट इज मोर रिलायबल विथ न्यू फीचर्स तो इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी सॉफ्टवेयर की मैंने चूंकि डाउनलोड कर लिया हुआ है ऑलरेडी नीचे बार के अंदर पड़ा हुआ है सो so, मैं इसको डायरेक्ट बस एक सादे तरीके से इंस्टॉल करने लगा हूँ और ये इसका क्यूल न्यू एनिमेशन है जो कि मैंने भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और लेट्स गिवर फ्यू मिनट्स ये है डायरेक्ट ऐसे ऊपर होगा आपके पास अब चूँकि मैंने इसके अंदर ये वाले यूनिवर्सल ए डी बी ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए हैं जो कि आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा एंड्रॉयड क्लाइंट शो हो रहा है आपने सिंपल यहाँ पे सिर्फ इस रेड बटन को दबाना है और आपका मोबाइल फ़ोन आपके सामने इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा ये ख़ुद ब खुद ही आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ए पी के इंस्टॉल करेगा जो वाइजर की ए पी के ताकि उनका आपस में कनेक्शन इस्टेबलिश हो सके मोबाइल फ़ोन ये मेरा मोबाइल फ़ोन है ये मोबाइल फ़ोन और इधर से मैं इसको अनलॉक करता हूँ मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ से री रिट्राई करूँगा आप मेरे खास तार हिल गई शायद तार मैं दोबारा लगाई दोबारा कनेक्ट किया अंदर और रिट्राई हाँ देखो ऑटोमेटिकली रिट्रा करना स्टार्ट हो गया अब जो मैं इस स्क्रीन के ऊपर कर रहा हूँ मेरा वहाँ पे मिरर भी हो रहा है कंट्रोल भी कर रहा हूँ मैं अपने फ़ोन को और यहाँ से भी मैं जो जो करूँगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के मिरर होता रहेगा ये बड़ा अच्छा है अगर आपने कोई एम एस करने हो या क्योंकि वो फिर आप बार बार मोबाइल फोन ही इस्तेमाल करना पड़ता सो दैट्स इट इतना छोटा सा ट्यूटोरियल था लेकिन इसके लिए आपको यूएसपी बगिंग ऑन करनी पड़ेगी अपनी फोन के अंदर अगर आपको नहीं करनी आती तो वो भी मैं आपको बता दूँ तो कैसे करनी है सिंपल अपनी सेटिंग्स के अंदर जाना है आपने और स्क्रोल डाउन कर लेना है अबाउट फोन के अंदर यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है और अपने जो बिल्ड नंबर है इस पर आपने क्लिक करते रहना बार बार इस पर आप देखिए मेरे नीचे ऑप्शन आ रही नो नीट डिवेलपर बोर्ड इनेबल्ड इसको आपको पाँच छः सात दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपको डेवलपर बोर्ड ऑन हो जाएगा बैक पे आएंगे और यहाँ पे देखिये मेरे पर डेवलपर ऑप्शन शो हो रही है अब डेवलपर ऑप्शन में जाके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये है यू एस इसको आप ऑन कर लें और जैसे ही आप, आप दोबारा तार निकाल के दोबारा तार लगाएंगे तो आपके पास ऑप्शन शो हो जाएगी यूएस बी मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छा मैं बंद करूंगा तो वो तो फिर बंद हो जाएगा सो so, ये था ट्यूटोरियल सो so, होप्स तो आपको समझ आई होगी और हाँ एक चीज मैं बताने ही भूल गया प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल